सो विल गो टू 3.3 क्वेश्चन नंबर 3. अब 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसमें लीनियर इक्वेशन दिए नहीं है, हमको फॉर्म करना है. वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है. अच्छा, फॉर द फॉलोइंग एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो हियर वी हैव समथिंग कि नाउ वी हैव टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम गिवन एंड वंस वी गेट द इक्वेशन नाउ वी हैव टू सॉल्व देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली. सो दे हैव मेंशन देयर टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट अस फ्रेम फर्स्ट. तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर. फाइंड देम. तो दो नंबर हैं, उनका बीच के डिफरेंस जो है वो 26 है और एक जो बड़ा नंबर है वो थ्री टाइम्स द अदर नंबर है. तो इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग. लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई. वो दो नंबर जो है वो उनको मान लेते हैं एक्स और वाई है, सच डैट x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से, x बड़ा है y से. तो अभी पहला कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है इसमें द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर 26. बड़ा नंबर कौन है, तो बिगर नंबर. डिफरेंस ऐसे आएगा ना, बड़ा नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 26. ये सुनो, डिफरेंस ऐसे ही आएगा. बड़ा नंबर देयरफॉर क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26. ये बना हमारा इक्वेशन वन. और बी पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी पार्ट क्या कह रहा है इसमें कि वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर. वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर. सो बिगर नंबर is equal to 3 times and multiply smaller number. तो bigger number कौन है, x. तो x equals to 3y. ये बन गया equation 2, बराबर है. Now observing equation 1 and 2, I have to solve them by substitution method, बराबर. तो substitution method में solve करने के लिए हमको एक variable को substitute करना पड़ता है दूसरे equation में. तो here we have something, x जो है ऑलरेडी y के टर्म्स में है, तो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, बराबर है. तो 1 को पहले लिख लेते हैं, x माइनस y इक्वल्स टू 26, यही हमारा इक्वेशन 1. देयरफॉर x क्या है, 3y. तो 3y माइनस y इक्वल्स टू 26. तो 2y equals to 26, therefore y is equal to 13. छोटा नंबर कितना है, 13 है. अब बड़ा नंबर फाइंड करना है. अब y 13 हो गया, तो बड़े नंबर के लिए क्या बोलेंगे, पुट y is equal to 13 इन इक्वेशन 2. 13 का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. therefore x equals to 3 into y, that is 13, therefore x equals to 39. so here we have both the numbers. तो bigger number is, आंसर में बिगर नंबर इज 39, स्मॉलर नंबर 13. सो दीज आर द टू नंबर्स. अब इनका डिफरेंस निकाल के देख लो एक बार, चेक करके क्या 26 आ रहे हैं और क्या बड़ा नंबर तीन गुना है छोटे नंबर का. यस, तीन गुना तो है. तो अपना आंसर राइट है. लाइक दैट वी कैन चेक ऑल्सो. विल गो एंड टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इसमें है the larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree, find them. तो supplementary angles है, तो supplementary angles में क्या बोलेंगे, let the angles be x and y. x और y angles है. अच्छा, x y angle is such that x is greater than y, और एंगल x जो है वो y से बड़ा है, ये हमने अज्यूम कर लिया. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री वर्ड दिया ना, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब क्या होगा,
x plus y will be 180. तो bigger angle plus smaller angle will be equal to 180 degree. Therefore, x plus y equals to 180 degree. Here you have equation 1. B part according to question. B part में according to question कि the larger of the two, the larger exceeds the smaller by 18 degree. Larger, यहाँ पर larger word भी लिख सकते थे, ठीक है, bigger के जगह larger you can make. Larger angle plus smaller angle, ठीक. So here we have larger angle exceeds यानी ज़्यादा है, is equal to smaller angle plus 18. तो larger angle exceeds the smaller angle कितने 18 से. Therefore x equals to y plus 18. ये इक्वेशन 2. अब क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू यानी इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180. दिस इज आवर इक्वेशन 1. Therefore, x की जगह क्या लिख दूँ, y plus 18 plus y is equal to 180. तो 2y plus 18 is equal to 180. तो 2y equals to 180 minus 18. बराबर है. तो अगर 20 होता तो 160, तो ये 162. तो 2y equals to 162. तो y equals to 81. कितना मिल गया ये y, 81. ओके, तो पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 कितना है, x इक्वल्स टू y प्लस 18. देयरफॉर x इक्वल्स टू y, y कितना है 81 प्लस 18. Therefore, x equals to 81 plus 18 कितना हो गया, 99. So here we have the two angles, okay.